हेलो गाइस, अनिल सर के साइट या यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, वडोदरा डिवीजन का मेरिट लिस्ट आया है उसको लेके, कि तो सबका रिप्लाई देना संभव नहीं था कि और हम थोड़ा बिजी चल रहे थे। इसकी वजह से हमने सोचा सभी के लिए एक वीडियो बना देते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड। तो चलिए शुरू से अंत तक आपको देखते रहिए और आपको सारी जानकारी पता चल जाए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कल हमने एक दोपहर के समय एक वीडियो डाला था, 1.5 मिनट का था, जिसमें मैंने बताया था कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई का मेरिट लिस्ट आया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं था। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि उस अभी तक मुंबई का आया ही नहीं है। तो उसके लेकिन मैंने बिना वीडियो देखे, मैंने पीडीएफ बिना देखे एक कैंडिडेट द्वारा भेजा गया और कहा कि ये मुंबई का है, और मैंने भी अच्छे से देखा नहीं। ऑफिस में कार्य करा था, सुबह से ही ऑफिस में ही था, तो इस वजह से हम नहीं देख पाए अच्छे से, और जल्दी जल्दी में उस वीडियो को बना दिए थे। तो लेकिन मुंबई का भी आया नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ बड़ोदरा डिवीज़न का आया हुआ है मेरिट लिस्ट, नहीं मुंबई का आया हुआ है, और नहीं रतलाम डिवीज़न का आया है, और भी जो है अहमदाबाद का है उसका भी नहीं आया है। जैसे ही आता है आपके मेल पर चला जाए, ठीक है। और अभी तक नहीं राजकोट का भी नहीं आया है, किसी का भी अभी नहीं आया है, मतलब सिर्फ बड़ोदरा डिवीज़न का आया हुआ है, नहीं परेल का आया हुआ है, लोअर परेल का, बहुत से डिवीजन का अभी रुका हुआ है, भावनगर का भी रुका हुआ है। और सब बच्चे पूछ रहे हैं कि कब आखिर कब होगा। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले यही थे कि आखिर सबका कब होगा। तो आपको बता दें, देखिए हम हमारा जो फॉर्म भरना लास्ट डेट था 24/6 को लास्ट डेट था, और इस महीने के 28 तारीख तक, 27 तारीख तक सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गया, सबका नहीं वडोदरा का। अगस्त तक आपका और भी डिविजन का आ जाएगा, जैसे सभी का, रतलाम का, अहमदाबाद का, सभी का जो जो बच गया है उन सभी का अगस्त में आ जाएगा। तो अगस्त में आ जाता है तो हम आपको लेकर जो जो डॉक्यूमेंट जाने हैं वो इसी वीडियो में बता दिए हैं क्या क्या लेकर जाएं। तो इस वीडियो में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपका नहीं आया है तो इसमें प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसे इसमें देख के पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत से बच्चों का कमेंट्स है कि सर मे कट ऑफ कितने जा गया हुआ है। तो देखिए, कट ऑफ ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, लेकिन कट ऑफ जो है कुछ बच्चों का आया हुआ है, जिसमें सभी का तो नहीं आया तो सभी का बता नहीं पाए। कुछ बच्चों का 89% था, 84% था, कुछ बच्चों का 81% था, 79% का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। इसमें इस तरह से कैंडिडेट द्वारा बताया गया, और इसे ऑफिशियली नोटिस नहीं आया हुआ, आता है तो आपको बता दिया जाएगा, या हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं उनका मेल आ गया होगा, मेल पे चेक करते रहिए, और मेल नहीं आता है तो उन मेरिट लिस्ट जारी होता है। इसमें खास बात तो यही है कि वेस्टर्न रेलवे जो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। जैसे कि आप बड़ौदा डिवीजन का देखे हैं, वहाँ पे मेरिट लिस्ट आया, इसी तरह सभी का मेरिट लिस्ट मेल पर आ जाएगा। मेल पर आते ही anilsarites@gmail.com पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वैसे हम आपको बताने की कोशिश करें जैसे ही आता है तो। और ध्यान रखेंगे कि देखिए, आप बहुत से आजकल हम बिजी चल रहे हैं, सुबह से ही ऑफिस में थे तो इसकी वजह से एक मिस्टेक हो गई थी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। और इसमें जो भी नोटिफिकेशन आता है तो चैनल पर अपडेट कर दिया जाए, कट ऑफ भी शो नहीं किया गया है। और अगस्त में सभी का आ जाएगा, मुंबई का भी आ जाएगा अगस्त में, परेल का भी आ जाएगा, रतलाम का अगस्त तक आने की संभावना है, सबका आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग होगा। देखिए, जितना भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं भी होंगे, और कुछ कैंडिडेट पहुंचे ही नहीं पाएंगे। तो नहीं पहुंच पाए तो फिर उन सबका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट जारी हो तो ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट होगा, वो लगभग 1 महीना के अंदर वो भी आ जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है वो। वेस्टर्न रेलवे का फास्ट होता है, वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे का वर्क था फास्ट होता है, इसकी वजह से 1.5 महीने के अंदर तो अब सबका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा तो 1.5 महीने के अंदर ही आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो ज्वाइनिंग जैसे ही आता है तो आपको आपको उस समय भी मेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, उसमें आपको कोई चिंता करने बात है नहीं। आप अपना मेल अपडेट रखिए, रेगुलर अपडेट करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए, रिफ्रेश करके चेक करते रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ।
और मेल तो रेगुलर चेकअप करते रहिए और चैनल पे विजिट करते रहिए, क्योंकि अभी देखिए नई अप्रेंटिस आई हुई है एनसीआर की, एनसीआर कटअप भी हमें डाल दिया, क्या कटअप गया हुआ था पिछली बार, एनएफआर का आ गया है, अब देखिए भेल का है बहुत सी, और यहाँ टाटा स्टील का भी परमानेंट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर डिवीजन के हैं तो अपना वेट करिए, और बड़ोदरा डिवीजन के कैंडिडेट देख रहे हैं तो नीचे अपना परसेंटेज कमेंट करिए और ट्रेड कमेंट करिए, ताकि पता चले कि कितना पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसी बात मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आजकल कमेंट हम देख रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहे, समय थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस में काम था ज़्यादा आ गया इसकी वजह से, और आप चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट वर्क है तो अबाउट में जाके कॉन्टैक्ट अनिल सर आई टी पे जाइएगा, इस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस पर। ठीक है, और इसी बात मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।